हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में डिफरेंस बताया था। ये डिफरेंस हम सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। सीन क्लियर है सभी को? और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस भी हम लोगों ने निकाली थी, रिलेशन हमारा आया था R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। ठीक, सीन क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊँ? अगर ये सारी कहानी आपको क्लियर है तो फिर हम लोग अगली बात पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। इसके बीच में हमारे कुछ एक न्यूमेरिकल रह गए थे, राइट? सही बोल रहा हूँ? तो हमारा जो न्यूमेरिकल है अगला, अप्रोटॉन, मिल गया सभी को? यही न्यूमेरिकल है, इससे पहले तो हमारा कुछ छूटा नहीं है। बोल रहा है अप्रोटॉन चार्ज Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। भैया प्रोटॉन पे चार्ज दे रहा है, कितना चार्ज दे रहा है प्रोटॉन पे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कायदे से उसे चार्ज देने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। सीन क्लियर है? तो वो कह रहा है एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये कह रहा है प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 गॉस। प्रोटॉन एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जिसकी इंटेंसिटी 2000 गॉस है। तो बोल रहा है प्रोटॉन है जिसपे चार्ज इतना है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है 2000 गॉस। आगे बोल रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस आप इसी तरफ ही तो बनाते हो, तो ये इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज जीरो। कह रहा है फर्स्ट सिचुएशन में फोर्स कैलकुलेट करूं जब प्रोटॉन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है फोर्स कैलकुलेट करूं इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस। यानी फोर्स कैलकुलेट करना है जब वेलोसिटी है 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? और तीसरा क्वेश्चन वो हमसे बोल रहा है सी वाले क्वेश्चन में, वो बोल रहा है इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। यानी जो वेलोसिटी दे रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, और ऐसी सिचुएशन में फोर्स पूछ रहा है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। क्वेश्चन रिपीट करने से पहले एक बात और, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है हमको? 2000 गॉस। कितनी दी है? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? अलोंग एक्स एक्सिस। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसने हमको दिया है 2000 गॉस। आपको बता दूं, हो सकता है किसी दिन ये चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने बीच में आप लोगों को बताया हो, या हो सकता है नहीं भी बताया हो। लिसन एवरीवन, 2000 गॉस। गॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से सिस्टम में है? SI सिस्टम में या CGS सिस्टम में? CGS सिस्टम में, तो हमें इसे SI सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? तो गौर से देखें, यहां पर मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं। हम सभी लोगों ने यह पढ़ा है 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। बोलो भैया, पता नहीं, हो सकता है बताया हो सकता है नहीं भी बताया हो। क्लियर? नहीं बताया तो पता होना चाहिए, आगे आने वाले चैप्टर में आएगा ही आपके सामने। क्लियर? तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर 4 गॉस। यहां से 10 की पावर 4 नीचे लाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। Yes, sir. और डिनोमिनेटर से जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4 टेस्ला इज इक्वल टू गॉस। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो गॉस की जगह मैं 10 की पावर -4 टेस्ला लिख सकता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है 2000 गॉस की जगह मैंने लिख दिया 10 की पावर -4 टेस्ला। कहानी समझ में आ रही है सभी को? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या क्या जानना चाहता है, क्या कहानी है पूरी। ठीक है, वो बोल रहा है प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज वो आपको दे रहा है। कायदे से जरूरी नहीं था कि वो आपको प्रोटॉन का चार्ज दे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि प्रोटॉन का चार्ज आप लोगों को पता होगा। अगर आपको याद हो
चैप्टर वन मैंने आपको पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी का मास, चार्ज वगैरह सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वैसे भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी, क्लियर। तो वो मुझसे बोल रहा है कि प्रोटॉन पर चार्ज इतना है और वो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 2000 गॉस है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है उसने, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब वो कह रहा है कि जब ये प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो यारो मैंने तो ये पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। क्या फॉर्मूला है लॉरेंज फोर्स का? क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा अपन लोगों ने पढ़ा है। तो वो कह रहा है प्रोटॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो कह रहा है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तीन सिचुएशन में फोर्स पूछ रहा है। पहली सिचुएशन में कह रहा है कि जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पोजिशन में रखा हुआ है तो पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा। दूसरा कह रहा है कि प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और उसकी स्पीड है 2×10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, लेकिन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसकी स्पीड है तो कितना फोर्स लगेगा। और तीसरे में पूछ रहा है कि अगर प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है 2×10⁻⁷ मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस तो कितना फोर्स लगेगा। तीन सिचुएशन में फोर्स पूछ रहा है। तो एक एक करके हम तीनों सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सिचुएशन ए, तो भैया मुझे मालूम है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला मैं लोग जानता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन थीटा कह रहा है रेस्ट पोजिशन में, रेस्ट पोजिशन में तो वी जीरो हो जाएगा। वी अगर जीरो हो जाएगा तो क्यू इंटू जीरो इंटू बी साइन थीटा, बोलो भैया। तो जीरो का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या सिचुएशन बन जाएगी? पहला केस सॉल्व हो गया हमारा, ओके अच्छी बात है। अब हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा केस मैं इधर कर रहा हूं, गौर से देखिएगा सभी लोग। बी कह रहा है कितना फोर्स लगेगा जब वेलोसिटी इतनी है। तो भैया इधर मैं थोड़ा सा एक फिगर बना रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसने यही तो बोला है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ते हैं। लुक, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, राइट गाइस। अब वो कह रहा है यहां पर चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है इतनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की तरफ है, तो बता सकते हो मुझे चार्ज पार्टिकल यहां पर कैसे एंटर कर रहा है? इशारे से बताओ, कैसे? परपेंडिकुलर, ऐसे वाई एक्सिस की डायरेक्शन इस तरफ ही तो होगी। तो इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा। तो भैया अपन ज्यादा नहीं जानते, अपने को इतना मालूम है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। मुझे ये बताना है कि थीटा एंगल कितना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मुझे मालूम है थीटा एंगल बी और वी के बीच का एंगल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो जाएगा? आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू वैल्यू सब आप रख लोगे। क्यू क्यू चाहिए आपको, क्यू की वैल्यू ये रही। वेलोसिटी आपको चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास ये रही। बी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास ये रही। थीटा 90 हमने रखा, साइन 91 आप जानते ही हैं, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जब इस पूरी कथा को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा दैट वुड बी 6.4×10⁻¹३ न्यूटन। सीन क्लियर है? कैसी आई बात समझ में आया आप सभी को? थोड़ा अगर मैं और डेप्थ में जाऊं इसकी में, तो फोर्स तो मैंने निकाल लिया कितना लगेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन आप लोग बताएं। हाथ बना दें, हाथ बना दो इसका। चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? हाथ बनाओ, हाथ समझते हैं अपन, हाथ क्या कर रहा, गलत है। हाथ बनाओ सब लोग। शिवा क्या कर रहा है बेटा, कहां ध्यान है? चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिया, तो फिंगर अंदर की तरफ, तो फोर्स कहां लगा? इनवर्ड। अगर मुझे एक्सेस में जवाब देना है तो क्या जवाब दूंगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या जेड एक्सेस? अगर मुझे जेड एक्सेस में जवाब देना है तो क्या जवाब दूंगा, माइनस का जेड एक्सेस या प्लस का जेड एक्सेस? माइनस जेड एक्सेस, क्यों, समझ में आए बात? तो यहां पर अगर मुझे वैसे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप और प्रिसाइसली जवाब देना चाहते हैं तो आप यहां लिख सकते हैं माइनस का जेड एक्सेस। सीन क्लियर है सभी को? अब मैं तीसरा केस है, तीसरे केस में मुझसे बोल रहा है फोर्स निकालूं जब वेलोसिटी 2×10⁻⁷ मीटर पर सेकंड हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन है एक्स एक्सेस। इसको भी चिपकाता हूं यहां पर, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा चाहिए। समझने की कोशिश करिएगा, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे ही तो एंटर करेगा। एक्स एक्सिस इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, कितना डिग्री का एंगल हो गया? तो थीटा यहां पर कितना रखूंगा? जीरो। साइन जीरो
जीरो का मल्टीप्लाई क्यूवीवी से होगा तो कितना आ जाएगा? कहानी समझ में आ रही है सभी को? नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल सभी ने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद मैंने आपको पिछले टर्न पे ये बात पढ़ा दी थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, और उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस भी हम लोगों ने कल निकाली थी। रिलेशन हमारा आया था R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को सारी बातें क्लियर है। R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, बोलो भैया क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आती है सभी को? आगे बढ़ो। अब आप गौर से देखिएगा, इलेवेंथ के काफ़ी सारे फंडे आपके लगेंगे, एक एक करके ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है? ये जो नोट आपको कराया गया है स्पेशली क्या होता है बेटा, 90 तक के लिए मेहनत नहीं होती, लेकिन 90 के ऊपर के जो 10 है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये ऊपर के जो 10 है 90 के ऊपर के, उसी के लिए है ये, क्लियर? तो गौर से देखेंगे, शायद आपने पढ़ा हो, देखें कौन बता सकता है। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, है ना? इलेवेंथ हमने पढ़ा है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी की जगह मैंने चिपका दिया मोमेंटम। सीन क्लियर है? जिन लोगों ने इलेवेंथ पढ़ी है मेरी बात समझ गए होंगे। पी इज इक्वल टू एम वी। आगे बढ़ता हूँ, आर इज इक्वल टू क्यू बी, तो मैंने एज इट इज रख दिया, मोमेंटम की जगह मैंने रख दिया रूट टू एम के। इलेवेंथ में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये भी होता है, पी इज इक्वल टू रूट टू एम के, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। कई लोगों के 90% लोगों के, 99% लोगों के भेजे में ये नहीं आया होगा, तो मैं इसका रीजन समझाता हूँ कि कैसे, क्लियर? आप लोग जानते हैं, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखे कैसे आया, पी की जगह रूट टू एम के कैसे आया, मैं यहाँ रीजन लिख रहा हूँ डिटेल में, क्लियर? आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये तो जानते हो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, सब जानते हो ना? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा मैंने बढ़िया चक, हाफ एम वी स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पर एम का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, फर्क तो पड़ेगा तभी तो कर रहा हूँ, क्लियर? तो हाफ एम वी स्क्वायर है, मैंने यहाँ पर मास का यानी कि एम का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। एम का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड करूंगा तो ये। सीन क्लियर है सभी को? 2m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 2mk इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। आप बताओ एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह लिख दूं, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? और जब स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो ये आ गया रूट 2mk। समझ में आई बात? मोमेंटम की जगह रूट 2mk मैंने कैसे लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ता हूं। R इज इक्वल टू, आपको याद है चैप्टर 2 आपने पढ़ा था, है कोई माइकल लाल जो मुझे ये बता दे V, W और Q में क्या संबंध है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q, या हम बोलते थे W इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू वी, याद है ना? W इज इक्वल टू क्यों बे, याद है? W इज इक्वल टू क्यों बे, ऐसा मैं जानता हूं। ओके, V क्या था यहां पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या था यहां पर? लिसन एवरीवन, जो वर्क है वही एनर्जी है, तो वर्क की जगह मैं K लिख सकता हूं। वर्क बोले तो काइनेटिक एनर्जी, बोलो भैया। तो K इज इक्वल टू क्यों बी क्यू वी, तो K की जगह मैं यहां क्यू वी चिपका दूंगा, तो ये नजारा ऐसा हो जाएगा अंडर रूट टू एम क्यू वी अपॉन क्यू बी। आप यहां स्मॉल क्यू ले रहे हो तो हर जगह स्मॉल क्यू ही लो, ठीक है ना? क्यू क्यू, क्लियर है सीन? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? ओके, आप ही बता देना अंडर रूट अभी न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में भी है? मुझे पूरे में लगाना है अंडर रूट, ऐसे, बढ़िया। तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या करूं? अगर इसमें रूट लगाऊंगा तो फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, बोलो भैया। यस सर नो, क्लियर है? अरे b का मतलब क्या है, ये नहीं लिख सकता क्या? b को ऐसे नहीं लिख सकता, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो b बराबर b, बोलो भैया। yes, कर सकता हूँ ना? yes, तो ये क्यू बी को मैंने रूट के अंदर लिख दिया था, ऐसे लिख दिया q स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में ही नहीं आई यही बात? yes, सुना है q से स्क्वायर कट जाएगा? yes, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? yes, कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, गौर से देखें। लिसन एवरीवन, अंडर रूट 2mv अपॉन q बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को रूट के बाहर लूंगा तो ऐसे लिख दूं, अपॉन में आएगा ना, न्यूमरेटर में थोड़ी आएगा अभी। सीन क्लियर है सभी को?
क्या करामात हुई समझ में आई कैसे किया मैंने? ओके फटाफट नोट देख लो फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं तो जरा बता दीजिए थोड़ा सा, वैसे तो ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग जानते भी हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। क्लियर है? कल ये बात मैं बखूबी सिद्ध करवा चुका हूं, आप लोगों को प्रूव करवा चुका हूं, राइट? तो फटाफट जल्दी से एक बार रिपीट मार रहा हूं। अच्छा मुझे ये बता सकते हो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है? तो चार्ज पार्टिकल को घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा था? लॉरेंज फोर्स। सीन क्लियर है ना सभी को? अच्छी बात। इसमें बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है? ऐसे। अच्छा और ये चार्ज पार्टिकल आ रही है ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फोर्स लगता है। किधर लगेगा फोर्स? हाथ बना दो जरा जल्दी से फटाफट, हाथ बना दो, हाथ हाथ। क्लियर बेटा? लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड, कारी टी शर्ट पढ़ाई कर बेटा, हाँ वरना दिक्कत होगी। देखिए भैया थंब करंट की डायरेक्शन में खुलता है, चार्ज इधर जा रहा है तो वही करंट की डायरेक्शन होती है, तो थंब करंट की डायरेक्शन में खुल गया, सही बोल रहा हूँ ना? क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, फिंगर मैंने ये इनवर्ड। समझ में आ रही है बात सभी को? तो फोर्स कहाँ लगा? पाम के परपेंडिकुलर, तो ये पाम के परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगाया। ये सब बातें कल कर चुके हैं अपन। फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के कैसी हो गई? तो पाथ कैसा हो जाएगा? कैसे घूमेगा? घुमा हो जाए। कल घुमाना सिखा चुका हूँ आप लोगों को, और जब ये घुमाना सिखाया था तो इसकी रेडियस कल आप लोगों ने निकाली थी, दैट वाज आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये बात हमारी कल तक की थी बॉस, एग्री करते हैं? ये कल मैंने पढ़ा चुका था। आज मुझसे ये कह रहा है जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें क्या कह रहा है। क्वेश्चन भी बाद में समझाऊंगा, पहले इतना बता दो, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था आपको? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना? या फिर इसका एक और डेफिनेशन बताया था, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना? टाइम पीरियड के दो रिलेशन आपको बताए थे, एक तो टी बराबर वन अपॉन एफ और दूसरा बताया था टू पाई आर अपॉन वी। कैसे आया है सब क्लियर है ना? सब कुछ बता चुका हूँ पहले, लिखवा चुका हूँ स्पेशली आपको, है ना? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी या टी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये सब बातें मैं पहले कर चुका हूँ, यस और नो? सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो आज उसने मुझसे पूछा है कि ये जो सर्कुलर ट्रैक पे चार्ज पार्टिकल घूम रहा है ना, इसका टाइम पीरियड बताऊं। कहा बताऊं? टाइम पीरियड। तो गौर से देखेंगे ऑन द बोर्ड, मैंने बचपन में सुना था स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात क्लियर है? ये बात सबको समझ में आती है? टाइम मैंने लिख दिया कैपिटल टी, कैपिटल टी बोले तो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड मैं जानता हूं एक चक्कर का समय। क्लियर? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टी जो टाइम है, टाइम की जगह मैंने लिख दिया टाइम पीरियड, यानी कि एक चक्कर का समय। जब समय एक चक्कर का ले रहा हूं तो डिस्टेंस भी एक चक्कर की लूंगा। अब एक चक्कर में कोई ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस हो गया? 2πr, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सीन क्लियर है? तो टी की जगह मैं डिस्टेंस की जगह यहां पे क्या लिख दूं? 2πr, और वेलोसिटी तो वो दही है अभी। बोलो भैया यहां तक क्लियर है सब ने? टी बराबर 2πr / v, तो बेसो की बेसो, आर की जगह ये चमका दूं तो आर बराबर एम वी / क्यू बी, वी से वी कट जाएगी, तो टी बराबर आ गई 2πm / क्यू बी। ये क्या आ गया हमारा? टाइम पीरियड। किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी बताऊं, तो भैया फ्रीक्वेंसी मैंने बचपन में पढ़ा था 1 अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यस और नो? तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी की जगह ये चमका दूं तो 2πm / क्यू बी कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पहले बता चुका हूं बॉस, है ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना? और फ्रीक्वेंसी का मैंने बताया था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन वन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सब लिखा चुका हूँ बहुत बारीकी से, मैंने आपको हर चीज बताई है। समझ में आया आपको ये? फटाफट नोट्सों में देख लो, ये अगला क्वेश्चन यही है, हो गया आपका। यहाँ पर आपने टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला है, माइंड इट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, कॉम्बो, है ना? चलता है ना आजकल कॉम्बो। वो बोलता है व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन then what would be the radius of the circular path and also find the time period and frequency। दोनों को मिक्स कर दिया उसने क्वेश्चन को, तो ऐसे कर सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डर तो नहीं जाओगे?
जवाब दे दोगे उसको? क्लियर? तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, हम लोगों को समझ में आया। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर कर रहा था? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कितने डिग्री एंगल पे? 90। हाँ, लेकिन इन केस अगर वो हमसे ये पूछता है कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर करता है, कितने डिग्री के एंगल पे? थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर करता है, तो उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ कैसा होगा? तो भैया ऐसी सिचुएशन में उसका पाथ होता है हेलिकल। हाँ, अब बात आती है हेलिकल क्या होता है, आप हद तो जी ना, हेलिकल क्या होता है? स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग का शेप हेलिकल शेप होता है, समझ में आ रही है बात? स्पाइरल शेप जो होता है उसको हम लोग हेलिकल शेप बोलते हैं, समझ में आ रही है बात? तो अगर उसने पूछ लिया हमसे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, तो आप बोलना उसका पाथ हेलिकल होगा। कैसा होगा? आप लोग जानना चाहेंगे क्यों होगा? मैं आपको बता देता हूं, पर आप लोगों को इतना डेप्थ में जाना जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि बेटा बहुत बड़ा है फिजिक्स, समझ रहे हैं ना? कोई भी सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड होता है, क्या क्या जानोगे, दिमाग का दही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? बाकी आप हायर स्टडी करेंगे तो जानेंगे, पर बाकी मैं इशारा कर रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करना। जो लोग मेरी बातों को अभी तक प्रॉपर समझ में आ रहे हैं, जिनको प्रॉपर, वो तो मेरी बात को समझ पाएंगे कि हेलिकल पाथ कैसे होगा, बाकी के सब देखते रह जाएंगे। क्लियर? तो तैयार हैं हम लोग समझने के लिए? ठीक है, दो मिनट बाद समझाऊंगा, पहले मुझे आप लोग बताओ, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? कल मैंने आपको घुमाना सिखाया था, आपको याद है घुमाना कैसे घुमाते हैं? आइए ने घुमाइया, ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है, कैसे घूमेगा? तो मैंने बताया था जिस तरफ से वेलोसिटी जाती है उसी डायरेक्शन से घुमा देते हैं। सीन क्लियर है? बोलो भैया, काबू का परेशानी, समझ में आ गया आपको? बताना आप, फिर से घुमाना है। ये वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में, किस तरफ है वेलोसिटी? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे दिखाई दे रहा है सबको? ये है फोर्स, अब बताओ कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, सही बोल रहा हूँ? ऐसे घूमेगा, समझ गए आप लोग ये बात? अब समझाता हूँ आपको, ठीक है? अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पर एंटर करता है तो उसका पाथ हेलिकल कैसे हो जाता है। क्लियर? फील लाना थोड़ा सा, 3D में काम चलेगा, ठीक है? लुक एवरीवन, अरे यार आज तो मैं गलत चला हुआ, ये देख रहे हो आप, ये मैंने क्या बनाया है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है थीटा डिग्री के एंगल पे। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। सीन क्लियर है सभी को? ये बात मैं ये जानता हूं कि ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? इसका और इसका। समझ में आता है सभी को? सब पढ़ा चुका हूं पहले ही। तो ये रिजल्टेंट है जा का और जा का। बोलो भैया, ये बता चुका हूं मैं, अगर ये ए है और ये थीटा है तो ये कितना होता है? और ये तो लाल आ रहे, ये वी है और ये थीटा है तो ये कितने कह जाएगा? वी कॉस थीटा। और ये सीन क्लियर है सभी को? इतनी बात समझ में आई? अब एक अच्छू करो ना, मैंने इतने एक बात क्लियर है, अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा होगा, मान के चलिए सपोज करिए कि फॉरेन में आपका कोई रिलेटिव रहता है, ठीक है? और बाकी मोरे नाम है चाचे नातेदार हैं। अब वो बंदा, उसने फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मोरेना आया बाय ट्रेन, और मोरेना जैसे ही आप आए तो उसकी मोरेना में दो मौसियाँ रहती थी। कौन रहती थी? तो दो मौसियों के बच्चा बाय स्टेशन पे लेवे पहुंच गए, हाँ स्टेशन पे लेवे पहुंच गए, तो खेचा तानी सी है जाएगी बाकी, क्यों है जाएगी खेचा तानी? चल मैं ही, चल चल मैं ही, चल दूसरा, चल मैं ही, चल मैं ही, चल। बोलो होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली ये चार्ज पार्टिकल फॉरेन से आ गए यहाँ पर, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है यहाँ पर दो वेलोसिटी काम कर रही है, वी कॉस थीटा जा चार्ज दे जो करी चल मे संग, और वी साइन थीटा जा चार्ज दे जो कर चल मे संग। नहीं, बात समझ में? सही बोल रहा हूँ? और दोनों के दोनों एक साथ ताकत लगा रहे, क्लियर? तो दोनों का असर होगा, असर तो दोनों का होगा,
तो क्या नतीजा मिलेगा वो हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अगर v cos थीटा या चार्ज है, कौन सी लंग खींच रहा है? जलंग खींच रहा, तो ये चार्ज काय देते, कैसे जाओ? न्यो में जाओ, डिंग 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 डिंग, ऐसे जाओ, जाओ नहीं जाओ, कहे जाओ, कहे जाओ, सीन क्लियर है? और v sin थीटा जाते क्या कह रहा है, कैसे चल, डिंग 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 डिंग, ठीक है। सुनना, ध्यान से सुनना, v cos थीटा काम कर रहा है तो वो इस चार्ज को ऐसे लेके जाएगा, एग्री करते हैं आप लोग? ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा, बहुत डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग। v cos थीटा की बात कर रहे हैं तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो वो फोर्स लगेगा होगा, कहीं कभी ना पैरेलल एंटर कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, किंडे लगेगा, जीरो लगेगा, क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था f बराबर qvb sin थीटा, पैरेलल एंटर करता है तो जीरो लगता है, क्लियर। खैर गोली मारो, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ, पर इतने समझ में आ रही है कि v cos थीटा जाते न्यो कह रहा जालन चल, तो v cos थीटा जाए न्यो चला हुआ, डिंग 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 डिंग, इतने क्लियर है? बस यही समझो, ज्यादा मत समझो। अब आ जाओ v sin थीटा पे। v sin थीटा चार्ज पार्टिकल को कैसे ले जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना लगेगा फोर्स? चूतियों की तरह रिएक्ट मत करो कमीनो, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है? तो बाकी डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन निकालो, बाकी चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है तो फोर्स कैसे लगेगा? इनवर्ड, समझ गए? इनवर्ड, ध्यान देना, चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा हो तो जी अभी करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड जा लगे तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खुली तो फोर्स कहां लगा? इनवर्ड, ध्यान देना, दिमाग में उतार लो, कहां लगा फोर्स? इनवर्ड, यानी ये जो है ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड, क्लियर। और वेलोसिटी जाके कैसे है? v sin थीटा न्यो में ऊपर की तरफ, फोर्स है न्यो, वेलोसिटी है न्यो, कैसे घूमेगा? न्यो में घूमन लगो, घुमाना सिखा दिया था कमीना, फोर्स ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए, दिमाग में रखना आप, कैसे घूम रहे हो? कौन सी वेलोसिटी की वजह थे? अब v sin थीटा की वजह थे तो जो घूमन लगो, आप घूम रहे हो, ठीक है, जो ही घूमन दो, इतने देर में v cos थीटा चुप बैठे हो का, हाँ कहो, चल भाई सर, चल भाई सर, तुझे क्या करेगा? घूमते जागो, संग में आगे बढ़ जागो, नहीं आई मेरी बात समझ में? यानी नजारा ऐसा है जागो, नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? क्लियर। इस टाइप के शेप को हम लोग बोलते हैं हेलिकल शेप, गॉट इट गाइस? ये आज से कुछ सालों पहले आप लोगों के सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है, है ना? क्लियर, तो फिलहाल बात समझ में आई? सीन क्लियर है? तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पर एंटर करता है तो उसका पाथ हेलिकल होता है, 90 डिग्री पे एंटर करता है तो सर्कुलर होता है, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? 0 डिग्री के एंगल पे एंटर करता है तो फोर्स कितना लगता है? जीरो। सीन क्लियर है ना सभी को? ओटी में बहुत पूछा जाता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो पाथ कैसा होता है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर करता है तो? वैसे इसके आने के चांसेस अब कम है, पर बाई चांस अगर आ जाए तो मैंने नोट दिया हुआ है, पढ़ लो आप समझ जाओगे। ओके, आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।